जिले की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे छतरपुर। कोविड 19 को लेकर जिला प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोविड को लेकर हो रहा है सुधार। वहीं यह भी कहा कि अगर कोई पत्रकार कोरोना की चपेट में आते हैं तो एमपी सरकार कराएगी पूरा इलाज। साथ ही यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सरकार ने की संपूर्ण तैयारियां। जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, कोविड वार्ड सहित पलंग भी बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है एमपी सरकार। सर एक सौगात सूरज हीरा फाउंडेशन गुजरात द्वारा की गई अपनी मातृभूमि को दिया है सर इन्होंने। बड़ी बात है, बड़े होने के बाद अगर छोटा याद रखे, इसी को बड़प्पन कहते हैं। उन्होंने बड़प्पन दिखाया है सूरज हीरा फाउंडेशन में। मैं धर्मेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं हमारे बुंदेलखंड की ओर से। आज की आवश्यकता थी, वो समय पे सामयिक काम किया उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से भी, बुंदेलखंड की ओर से, सरकार की ओर। शिवराज सरकार हमेशा से ही पत्रकारों के हित में फैसले लेती आई है। अभी कोरोना वॉरियर्स के जो था उसमें लिया था, और आज हमारे मान्यता प्राप्त, अधिमान्यता प्राप्त हो या न हो, सभी पत्रकारों का पूरा इलाज भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार कराएगी। जो हमारे पत्रकार साथी दिन भर मेहनत करते थे और मुश्किल घड़ी में माननीय शिवराज जी ने आगे आके बड़ा कदम उठाया, उनका आभार व्यक्त, उनके परिजनों के लिए, सभी के लिए। सर ये सामान आ चुका है, अब काफी लोगों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जैसे वेंटिलेटर के है। कलेक्टर साहब खड़े हुए, मेरी बात हुई है उनसे, जो जरूरत है वो सारी पूर्ति होगी, कमी कोई नहीं रहने दी जाएगी, कोताही कोई भी नहीं बरते। धन्यवाद गृह मंत्री जी को जो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया और हमको तो इनकी तरफ से हर सहायता मिल रही है। और कहने का मतलब जो हमने दिया है, जो आपने मांगा था दिया है, इसका सही उपयोग और शासन प्रशासन का की मदद रहेगी, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर आए हमारे लिए, हमारे इतने से कार्य में हम उनके थैंक यू वेलकम करना। चलिए।